बाबा रो रहे हैं कोर्ट रूम में। हमारे सूत्र ये बता रहे थे हमें कि बाबा रो रहे हैं कोर्ट रूम में और सात साल की आवाज आ रही है वहां से, यानी वो बोल रहे हैं कि कम सजा दी जाए। हालांकि 10 साल की सजा जो है ये उम्मीद की जा रही है और सीबीआई भी यही मानकर चल रही है कि 10 साल की सजा मिलेगी इस व्यभिचारी बाबा को, बलात्कारी बाबा को, जिसने की हिंसा में झोंक दिया था पूरे प्रदेश को। पंजाब हरियाणा में हिंसा हुई थी, अब हिसाब चुकता करने की बारी आई है और 15 साल पहले जो गुनाह किए थे उनमें सजा मुकर्रर करने की बारी आई है। दो चीजें महत्वपूर्ण है, बाबा अदालत में रो रहे हैं, कम सजा की भीख मांग रहे हैं। यह होता है कानून, देर आया लेकिन दुरुस्त आया। जो अपने आप को लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की ताकत दिखाकर कानून को डराने की कोशिश करता था, आज वो 6 लोगों के सामने अदालत में खड़ा रो रहा है। यह होता है कानून और इसीलिए कानून पर हर कोई यकीन करता है, भले ही कानून देरी से काम करे लेकिन जब वो काम करता है तो मुजरिमों के आंसू कैसे निकलते हैं उसकी मिसाल गुरमीत राम रहीम है। बड़ी जानकारी यहां पर दे रहे हैं जगविंदर पटियाल, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट रूम में जो राम रहीम हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों में कुछ देर पहले तक आंसू भरे हुए थे, अब वो रो रहा है। बाबा, बलात्कार का दोषी बाबा, अपनी सजा पर फैसला सुन रहा है और अदालत में जज साहब के सामने खड़ा होकर रो रहा है। सफेद से रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है बलात्कारी बाबा राम रहीम ने। जिस वक्त वो अदालत के भीतर पहुंचा, सर पर उसने कपड़ा बांधा हुआ है, हाथ जोड़कर जज साहब के सामने वो खड़ा रहा। जिस वक्त उसकी सजा पर बहस के दौरान दलीलें दी जा रही थी सीबीआई की तरफ से, उसके अपने वकीलों की तरफ से जो बचाव पक्ष के वकील थे, और बड़ी खबर ये मिल रही है इस वक्त की सुनवाई जो पूरी हो चुकी है, जज साहब अपना फैसला पढ़ना शुरू कर चुके हैं और किसी भी पल वो अपने जजमेंट के ऑपरेटिव पार्ट पर आ सकते हैं, जिसमें यह बताया जाएगा कि आखिरकार कितनी सजा दी जाएगी बाबा को। यह है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।